एक हिंदू परिवार का बच्चा राजीव राजा जिन्हें भी जुर्म किया जिन्हें मर्डर किया हुआ किडनैपिंग की उन्हें भी एक लैटर लिखी उन्हें कहा भी मैं भी जुर्म किया उनकी कहता पाया भी मैं जुर्म किया पर मैनू जिहड़ी कोर्ट ने सजा दी मैं वह भुगत के जेल च बैठा मैनू 17 साल कहता जेल हो गए मैं अजे भी जेल च बैठा मैनू जमानत नहीं दी जा रही क्योंकि मैं एक गरीब परिवार चो हाँ मैं हिंदू परिवार चो हाँ। खबर लेने लुधियाने तो बठिंडा जेल विच बंद गैंगस्टर राजीव राजा ने शिवसेना नेता राजीव टंडन नू लिखी चिट्ठी कहा मैनू रिहा करवाओ पिछले दिन जेल दे विच बंद गैंगस्टर राजीव राजा ने भाई अमृतपाल सिंह नू माहौल ना खराब करन बारे बयान दिता सी पर हुण गैंगस्टर राजीव राजा ने शिवसेना नेता राजीव टंडन नू एक चिट्ठी लिख के उस नू रिहा कराउण दी गुहार लगाई है दस दईए कि राजीव राजा लुधियाने दा रहण वाला है अते कतल किडनैप अते होर कई संगीन मामलियां दे विच बठिंडा जेल च 17 साल तो सजा कट रहा राजीव राजा ने चिट्ठी लिखी है कि ओ एक गरीब हिंदू परिवार दे नाल संबंध रखदा है अते ओ अपनी सजा पूरी कर चुका है पैसे दी कमी करके उसका परिवार पैरवाई नहीं कर सकया होर की गलबात हुई है आओ मारदे इस पूरी खबर ते नजर जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव एक पासे जिथे पंजाब दे विच अतवादियों नू रिहाई नू लैके अंदोलन किए जा रहे ने उथे दूजे पासे शिवसेना पंजाब वालों भी उन्हां पुलिसकर्मियों की रिहाई की मंग नू लैके अंदोलन किए जा रहे ने धरने लाए जा रहे ने प्रदर्शन किए जा रहे ने जिन्हां पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पंजाब चो अतवाद खत्म किया उन्हां 18 पुलिस मुलाजमान की गल कर रहे हैं लोग जिन्होंने पंजाब सरकार के आदेश के उत्ते आके पंजाब चो अतवादी खत्म किए अतवाद खत्म किया पर 18 पुलिस अफसर इस वक्त पंजाब दी अलग अलग जेलों च बैठे ने उन्होंने परिवारों की गल सुनीए तो उन्होंने रिश्तेदार रिश्तेदार की गल सुनीए तो उन्होंने रो रो के बुरे हाल हुए ने कौन पूछेगा उन्होंने कौन गल करेगा असी जदों पुलिस अफसर का मुद्दा चुकिया तो जेल च बंद बैठा एक सनातनी साडा एक हिंदू परिवार का बच्चा राजीव राजा जिन्हें भी जुर्म किया जिन्हें मर्डर किया हुआ किडनैपिंग की उन्हें भी एक लैटर लिखी उन्हें कहा भी मैं भी जुर्म किया की कहता पाया भी मैं जुर्म किया पर मैनू जिहड़ी कोर्ट ने सजा दी मैं वह भुगत के जेल च बैठा मैनू 17 साल कहता जेल हो गए मैं अजे भी जेल च बैठा मैनू जमानत नहीं दी जा रही क्योंकि मैं एक गरीब परिवार चो हाँ मैं हिंदू परिवार चो हाँ उन्हें सानू की वास्ता दिता उन्हें की लिखिया राजीव टंडन जी भी तुम सनातन धर्म का एडा काम करते हो मैं जिहड़ा जुर्म किया मैनू वो सज़ा मिल गई कानून के हिसाब न मैं 17 साल हो गए जेल च बैठा पर मैनू रिहाई नहीं मेरी रिहाई नहीं की जा रही क्योंकि मैं गरीब परिवार चो हाँ भी तुम एडे एडे काम करते हो मैं कहता संविधान के अनुसार मैं भारत के संविधान के अनुसार जेल तो बाहर आके अपना जीवन बतीत करना चाहना तुम मेरी मदद करो मैनू जेल चो बाहर कढ़ाओ गल सवाल एक आंदा एक पासे तो अतवादियों की रिहाई की गल की जाती है दूजे पासे उन्होंने पुलिस अफसर की जिन्हां ने पंजाब चो अतवाद खत्म किया तीजी गल आ गई इन्हां लोगों की जिन्हां लोगों ने जुर्म किया कल्ला राजीव राजा ही क्यों होर भी ऐसे कई व्यक्ति होने हैं जिहड़े जेलों च विराजमान होने हैं जिन्हां की सज़ा पूरी हो चुकी होनी है पर पैसे ना होने करके कोई पहुँच ना होने करके वो जेलों च बैठे होने हैं क्या उन्हां दी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी? मैं तो गल कहांगा भी इस देश च एक तरह का कानून का दी पालना होनी चाहिए है अगर जेलों च बैठे जिन्हां अतवादी कहिंदे ने सज़ा पूरी हो चुकी है अगर उन्हां दी रिहाई हुंदी है तो उन्हां पुलिस अफसरां दी भी रिहाई होनी चाहिए जिन्हां ने पंजाब च अतवाद खत्म किया तीजा उन्हां लोकां लुधियाने तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट।